पिंड सांडपुरा च वोटां दी रंजिश नूं लै के मौजूदा सरपंच दे घर च चलाए गए इट्टां रोड़े ते गोलियां। हलका खेमकरण दे पैंदे पिंड सांडपुरा विखे वोटां दी रंजिश नूं लै के मौजूदा सरपंच दे घर विच दाखिल हो के पिंड सांडपुरा दे रहण वाले अकाली वर्करां ने इट्टां ते रोड़े चलाए ते गोलियां चला के मौजूदा सरपंच दे भरा नूं जख्मी कर दिता। इस संबंधी जानकारी दिंदे होए सरपंच गुरमुख सिंह ने कहा कि पिंड दे रहण वाले हरप्रीत सिंह जो कि अपने आप नूं अकाली दल का वर्कर समझता है, उसने अकाली दल का प्रोग्राम अपने घर विच रखिया सी ते हरप्रीत सिंह ने पहला तो उसके लड़के का रस्ता रोक के उसनू धमकियां दित्तियां कि अकाली सरकार आउण ते तुहाडे वर्गे कांग्रेसियों नू देख लवांगे। उस तो बाद हरप्रीत सिंह ते उसके नाल 40-45 अणपछाते व्यक्तियां आ के उसकी हवेली विच बैठे उसके भरा ते उसके लड़के नाल कुटमार की गई। इस दौरान हरप्रीत सिंह दे घर विच इट्टां रोड़े ते गोलियां चलाईयां गईयां जिस कारण उसका भरा परमजीत सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सरपंच गुरमुख सिंह ने पुलिस प्रशासन तो इंसाफ की मांग की ते व्यक्तियां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मसला जी यहो जी प्रोग्राम अपने रखे अकाली दल का बटोआ साहब का, तो बटोआ साहब जो चले प्रोग्राम करके गुरमुख सिंह का मुंडा आ के ट्रैक्टर गाड़ी खिलारता बटोआ साहब की गाड़ी से गाड़ी अं उन्होंने ट्रैक्टर साइड पर कराया वा कि गड्डिया लंघनिया साढ़िया गड्डिया लंघ लेंगे। उन्हें 5-6 रन ट्रैक्टर लगा निकाया तो अं कुछ नहीं आख्या यहाँ कोई गल नहीं जाओ तुम मुड़ के हार के तो हूटर मार मार के आ के गलां क्ढन डे पे चांगर मारन डे पे तो फिर तुम्हें पता उसे सह नहीं जाता मुड़ के अं आपके घर आगे चुप कर तो इतलाह दी पुलिस DSP साहब आए रात कार्रवाई हुई हाँ जी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंधी जो दूजे दिन गलबात की गई तो उन्होंने अपने ते लगाए सारे दोषों नूं नकारदे हुए कहा कि गुरमुख सिंह होना ने पहला साडे नाल बदीकी की है ते बाद विच साडे घर आके इट्टा रोड़ा चला के साडे घर विच गोलियां चलाईयां जिसके कारण उन्होंने पुलिस ने बयान दिते। सर एक राती सांडपुरे झगड़ा होया पिंड जिहड़े सरपंच गुरमुख सिंह दे घर कुछ व्यक्ति पए ने ते हरप्रीत सिंह होना का भी दोष है कि साडे घर आके गोलियां गालियां चलाईयां की मामला सर जी? देखो ये राती झगड़ा इट्टे रोड़े चले आ ते दोनों पार्टियां इक बंदा दाखल है रात दोनों तीरां विच इट्टां रोड़े चले ते इस दी छानबीन कीती जा रही है ते दोनों तीरां दा ही एक दूजे ते इल्जाम लगाया जा रहा है ते मेडिकल रिपोर्ट आने तो बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तरन तारण तो रिंपल गोलन की रिपोर्ट स्काई न्यूज़ पंजाब। जे तुसी एक्सप्रेस एंट्री दे विच या PNP दे थ्रू या LMIA दे थ्रू या जॉब ऑफर दे थ्रू जाके पक्के तौर पर सैटल होना चाहते हो या तुसी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा या ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप दे नाल घट फीस ते तुहाडे एजुकेशन च गैप है ते तुसी पढ़ के जे सैटल होने का सपना पूरा करना चाहते हो तुसी हेठ लिखे नंबर ते कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल। ताज़ा अपडेट के लिए साड़े YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, Facebook चैनल को लाइक और शेयर करो।